हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर स्केल। इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर स्केल के टू रेफरेंस पॉइंट होते हैं, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। अब हम इस कुछ स्केल्स देखते हैं, उनके आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट देखेंगे। जैसे सेल्सियस स्केल है, इसका आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड स्टीम पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे हमारा कोई स्केल है, उसका कोई स्टीम पॉइंट होगा और आइस पॉइंट होगा। चलो इसका ये हम फॉर्मूला देखते हैं जिस पर सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। टी माइनस टी आई, टी आई जो है वो हमारा आइस पॉइंट का टेम्परेचर है। टी एस माइनस टी आई, टी एस जो है हमारा वो स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर। ऐसे फ़ारेनहाइट स्केल के लिए एफ माइनस एफ आई, एफ एस माइनस एफ, ऐसे कोई हमारा स्केल है उसके लिए पी माइनस पी आई, पी एस माइनस पी आई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस पर कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल किस टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं, वो अब हम देखते हैं किस किस टेम्परेचर पे ये दोनों स्केल्स इक्वल होंगे। वही हमारा सेम फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, टी माइनस टी आई, टी एस माइनस टी आई और एफ एस माइनस एफ आई। ये टी जो होती है वो हमारी अननोन वैल्यू होती है और ये एफ भी हमारी अननोन वैल्यू है और ये कभी कभी हमें गिवन भी हो जाती है क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं, टी हमें पता नहीं है, टी आई हमें पता है 0 होता है सेल्सियस के लिए और टी एस हमें पता है 100 होता है, टी आई 0। एफ हमें पता है कुछ नहीं है हमें, एफ आई जो होता है वो 32 होता है, एफ एस जो होता है वो 212 और एफ आई 32। अभी हम इसे कैलकुलेट करते हैं, टी बाई 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। अब इसमें 212 32 ये वो हो जाएगा 180। अब हमें ये देखना है कि टी और एफ किस टाइम पे, मतलब टी इज इक्वल टू एफ होगा किस पे इक्वल है, इसलिए हमने इसे एक्स मान लिया, मतलब एक्स बाई 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस 32 अपॉन 180। 180x इज इक्वल टू 100x माइनस 32, ये हो जाएगा आपका पूरा। हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। ये माइनस 40 डिग्री पे ये दोनों स्केल्स इक्वल होंगे, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये आप इसे याद भी करके रख सकते हैं और एक आप नोट करके डाल सकते हैं कि एफ जो होता है वो होता है 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस हमें दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इन फ़ारेनहाइट। मतलब हमें टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है सेल्सियस में, हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो क्या होगा। हमें डी टी मतलब 10, मतलब यही हमारा सेम फॉर्मूला, टी माइनस टी आई अपॉन टी एस माइनस टी आई इजिकल टू एफ माइनस एफ आई अपॉन एफ एस माइनस एफ आई। टी टी आई हमारा 0 हो जाएगा, आइस पॉइंट का टेम्परेचर, और ये स्टीम पॉइंट 100 माइनस 0 इजिकल टू एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये ऐसे आ जाएगा। लास्ट में हम बस ये आएगा 1.80 इजिकल टू एफ माइनस 32। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे टी का, तो वो 1.8 डी टी हो जाएगा, एफ का हो जाएगा डी एफ और 32 हमारा कॉन्स्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तो 1.8 और डी टी हमें दे रखा है वो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू डी एफ, डी एफ क्या हो जाएगा हमारा 18 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। ये सब मैं आपको जो भी है जितने भी नोट्स हैं ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप लिंक पे क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जिसे हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं। इस पे से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो मैं बता दूंगा। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये कोई ए गैस है, ये बी गैस है, ये सी गैस है,
और ये जो हमारा ही होता है ये जीरो केल्विन होता है हमारा, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ऐसी वैल्यू है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे अलग अलग गैस की, वो इसे ये शो कर रहा है ग्राफ। एट 0 केल्विन पे हमारी जो सेल्सियस में वैल्यू होती है वो होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15। के सी की जो वैल्यू होगी वो होती है 0.01 प्लस 273.15। ये जब हमारी केल्विन में ये वैल्यू आती है, के इज इक्वल टू 273.16। अब ये क्वेश्चन बहुत पूरा पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होता क्या है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्या होता है, जब मॉलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो हो जाता है उसे ही हम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बोलते हैं। और हमने जो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए सिंगल रेफरेंस पॉइंट यूज़ करा करते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और या 273.16 केल्विन। अभी आप एक नोट करके ये भी लिख सकते हैं, 1 केल्विन जो होता है ना वो होता है 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये वीडियो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हीट एंड वर्क। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।